नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा माता बाल संगोपन केंद्र सर्वोदय हॉस्पिटल के बाहर। यहां हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनकी अपनी कुछ शिकायतें हैं। इन्हीं में से किसी ने मुझे फोन किया था, बुलाया था, तो क्या इनकी शिकायतें हैं जानते हैं खुद ही के मुँह से। यहाँ से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था सर। क्या नाम है आपका? यहाँ थॉमस एनसी मेंटर है। फोन करने के पीछे कारण क्या था सर? फोन करने का कारण ये चीज है कि जो ये महानगर पालिका का दवाखाना है, तो उसमें पहले रिपोर्ट में हर एक रिपोर्ट में उसका नॉर्मल दिखाया, पेशेंट का नॉर्मल दिखाई लाए। उसके बाद में इन लोग ने जो सीजर का माहौल दिए लाए, तो सीजर होने के बाद भी ये सरकारी डॉक्टर लोग आके बोलते दो दो हजार रुपया फीस लगेगा। तो उसमें मैं यही मानना करता हूँ कि दो दो हजार रुपया किस कारण से हम लोग मांग रहे हैं? अभी जो गरीब के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, तो वो दो हजार रुपया कहाँ से लाके देगा? कितने लोगों से इस तरह की इन्होंने मांग की? इन्होंने अभी कम से कम चार पांच दिन से इन्होंने जितना भी सीजरिंग हुआ है सबसे दो दो हजार रुपये लिए। अच्छा, आपने दो हजार रुपये अपने भर दिए? नहीं सर, अभी तक मैंने दो हजार रुपये हमने दिए ही नहीं। अस्पताल का क्या कहना है, वो पेशेंट को छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, बोलते हैं जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक पेशेंट को यहाँ से रिहा नहीं करेंगे, बोलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोषी मदनपाल चंदेलिया। आप पेशेंट की क्या लगती है? सास हूँ मैं सर। क्या है दिक्कत आपको? मेरे को ये दिक्कत है सर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। पहले तो अभी ये सरकारी है, तो सरकारी में क्या होता है, घर के पैसे लगते ही नहीं है। मगर ये लोग बोलते हैं अभी पैसा देना ही पड़ेगा आपको, पैसा नहीं देंगे तो हम लोग पेशेंट को छोड़ेंगे नहीं आपके, ऐसा बोलते हैं और झगड़ा करते हैं। अभी क्या बोलने का सर, हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपको दो हजार रुपया जो मांगा गया वही मांगा गया कि और भी कुछ? नहीं, लिख के दिए सर दवाई, हम लोग लाए कैसे भी करके, कर्जा उठा के मैं कचरा चुनते हूँ सर। कितने का दवाई? अभी कितने का लाए? साढ़े तीन हजार का ना, साढ़े तीन हजार का दवाई ला के दिए, 3900 का दवाई ला के दिए सर हम लोग ने। आपको क्या नाम है? अजय मदनपाल चंदेलिया। ये क्या आपके हाथ में? ये मेरे वाइफ का सब पेपर है दवाई का। आपकी पत्नी? हाँ। क्या नाम उनका पेशेंट का? ममताज चंदेलिया। क्या दिक्कत है आपको? मेरे पास पैसे नहीं है सर, लोग जबरदस्ती पैसे मांग रहे। अच्छा, अभी आपने दवाई कितने की लगी थी? ये 3900। अभी आपके क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ दिला बस। तो दोस्तों, आपने ये पेशेंट की कहानी सुनी। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले मैं यहाँ माता इसी हॉस्पिटल में सरोदय में आया था यहाँ से, तब भी मुझे रात को 12:30 बजे फोन आया था कि पानी सप्लाई नहीं है। उस मामले में मैं यहाँ आया था, और जब मैंने यहाँ एक पेशेंट का इंटरव्यू लिया तब मुझे ये कहा गया बाद में कि वो पेशेंट ये बोल रहा था कि उन्हें कोई समस्या नहीं थी, ये उसने लिख के दिया। मतलब अस्पताल प्रशासन पेशेंट के ऊपर कितना दबाव डालते हैं, इसका वो सीधा साधा उदाहरण है। अभी यहाँ एक महिला है, ये खुद कैमरे के सामने इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनको तकलीफ है। अब जैसा अभी उन्होंने बताया, ये मेरे हाथ में कुछ बिल है, ये मेडिकल सामने रॉयल केमिस्ट मेडिकल है, यहाँ से इन्होंने 3895 रुपए लगभग 4000 की दवाई लाकर दी। वसई विरार महानगर पालिका में डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए ये 4000 का बिल है, पेशेंट ने अपने पैसे से खर्चे से ला के दिया। कुछ मेडिसिन और भी मंगाई गई, ये हाल है वसई विरार महानगर पालिका का। वसई विरार महानगर पालिका में हम बात करें तो ऐसा काफी ढिंढोरा पिटा जाता है कि वसई विरार महानगर पालिका की महानगर पालिका ऐसी एक अकेली महानगर पालिका है जो फ्री में इलाज उपलब्ध करवाती है, लेकिन ये हकीकत या सच्चाई हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और खासकर ये अस्पताल कैसा है उसको सोचने वाली बात है। ये अस्पताल है डिलीवरी स्पेशलिस्ट। देश भर में ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे देश की केंद्रीय सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उन योजनाओं में जहाँ कहीं डिलीवरी होती है, जहाँ कहीं प्रसूता जब जननी जब अपने बच्चे को जन्मने वाली होती है तब उसको कई स्कीम मिलती है। यहाँ वो स्कीम तो दूर की बात, उल्टा यहाँ लोगों को पैसा भरना पड़ता है। यह है वसई विरार महानगर पालिका की सच्चाई। अभी मैंने वसई विरार महानगर पालिका के मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर भक्ति चौधरी से मैंने फोन पर बात की, और उनको जब मैंने पूछा
कि मैडम क्या दवाई बाहर से मंगवाई जाती है, तो उन्होंने इनकार किया, नहीं ऐसा नहीं है, जो दवाई है अंदर से दी जानी चाहिए। मैंने पूछा उनको, मैडम क्या 2000 रुपये सीजन का मांगा जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर सीजन के लिए बाहर से आते हैं, तो वो उनकी फीस है और उसके लिए रिसिप्ट बकायदा दी जाती है, लेकिन यहाँ अभी पेशेंट ने कहा कि इनको कोई रिसिप्ट नहीं दी गई। तो अब कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन को ये देखने की जरूरत है कि इस अस्पताल में चल क्या रहा है। एक तरफ यहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ यहाँ लोगों से पैसे की वसूली हो रही है। तो जैसा हमने यहाँ अभी यहाँ फिलहाल जो डॉक्टर मौजूद है उनसे बात की और उन्होंने वो वही बात दोहराई कि हर एक सीजन में हमारा सिस्टम है, सीजन के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं, उसके लिए 2000 रुपया लिया जाता है और बकायदा उसकी पावती भी दी जाती है। उनका ये कहना है कि अगर पेशेंट पावती की मांग करता है तो पावती दी जाती है, उनका ऐसा कहना है। हालांकि यहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर है वो आज संडे होने की वजह से आज अवेलेबल नहीं है, कल रहेंगे। और यहाँ के डॉक्टर ने भी ये कहा, साथ ही साथ उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि मैडम क्यों दवाइयाँ बाहर से लाई जाती है, तो उनका ये कहना था कि जो दवाई हमारे पास स्टॉक में है वो हम अपने पास से देते हैं, जो दवाई का टेंडर ही दवाई या जो कुछ मटेरियल टेंडर में ही नहीं है महानगर पालिका के, वो उन पेशेंट को बाहर से लाने को बोलते हैं और ये इन्हीं को नहीं, हर एक पेशेंट से इसी तरह मंगाते हैं। तो अब सवाल ये है कि चिकित्सा व्यवस्था की हालत क्या है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत। अगर दवाई इस तरह से दवाई नहीं रहती है तो क्यों नहीं वसई विरार महानगर पालिका ने इसका बंदोबस्त किया है, क्यों नहीं वसई विरार महानगर पालिका के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उन दवाइयों को या उन इक्विपमेंट को पहले से ही मंगाया गया हो। जैसा मैंने अभी आगे के अपने वक्तव्य में कहा कि प्रसूति के लिए खासकर सरकार प्रोत्साहन देती है और कई योजनाएं हैं, तो धरातल पर वो योजनाएं कहाँ है इसका सवाल अब सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ बातें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये जो पैसे जिस तरह से यहाँ लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं गरीब और कमजोर लोगों के लिए वो उनकी कमर को तोड़ने के लिए काफी है। और साथ ही साथ एक तरफ यहाँ पैसा वसूल किया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है सीजीएन का, वो दूसरी तरफ सीजीएन के लिए जो इक्विपमेंट और मेडिसिन मंगाई जा रही, यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर एक छोटा मोटा अंदाज लगाए तो महानगर पालिका के अस्पताल में आने के बाद भी लोगों को यहाँ 8 से 10 हजार का खर्चा करना पड़ रहा है। यह स्थिति वसई विरार महानगर पालिका की है, ये हम आपको स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।